10 कैंडिडेट हैं सर, आप आए सर, ये आपकी नम्रता है, विनम्रता है, मैं इसको प्रणाम करता हूं और जनता को इसलिए प्रणाम करता हूं कि पहली बार जिंदगी में ऐसा मौका मिल रहा है कि हम जो मर्जी धर्म को फॉलो करते हो, जो मर्जी जात को फॉलो करते हैं, जो मर्जी त्यौहार बनाते हो, लेकिन एक छत के नीचे आराम से बैठ के हम नेताओं को आराम से सुन सकते हैं। सर मेरे अंदर में कुछ ऐसे सवाल है जिसको लेकर मेरी तड़प है। सर आप चिंता मत कीजिए, हमें क्रिसमस भी मनाना आता है, हमें बैसाखी भी मनानी आती है, हमें सर ईद भी मनानी आती है, हमें दीपावली भी मनानी आती है, और यहाँ पर सर अजान भी होगा, जय श्री राम भी होगा, ये बरसों हुआ है, ये हमारा है, हम संभालेंगे। शांति की चिंता मत कीजिए सर, टेक्नोलॉजी वहां की कहां पहुंच गई, हमारे मछुआरे, ये बरसों हुआ फोर्ट, वाई दिस इज नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट। सर मेरे यहाँ पर अमेरिका से आदमी टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं बन रहा था, ये वर्षों हुआ फोर्ट क्यों यहाँ पर धाराशाही हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, आप सड़कों की बात करते हैं सर, बीएमसी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या शिवसेना की हो या किसी की भी हो, सर पैसा हम देते हैं। मैंने आरटीआई देखी है सर, मैं आपको आज एक खुलासा करता हूँ और निडर होके करता हूँ, जिसको जो दावा ठोकना है ठोके, 350 आरटीआई देख कर आया हूँ मैं, 2,88,583 इस प्रकार के 100 टेंडर। सर अगर आप नेता करते हैं, नेतागिरी करते हैं, 5 साल तक अगर आप सत्ता में नहीं थे, आरटीआई लाकर हमें बताइए कि एक एमएलए के फंड से अगर ऐसे पैसा जाता है कहां लगा, हम उन जगहों पर गए, आधी जगह की तो एड्रेस ही नहीं है हमारा पैसा है। सर मैं इनकम टैक्स देता हूं, आई हैव ऑल द राइट्स टू क्वेश्चन यू, माई क्वेश्चन इज 10 करोड़ का अगर एमएलए का फंड जाता है, कौन सी वेबसाइट में उसका डाटा अवेलेबल है, हम क्यों धक्के खाते हैं, हम क्यों धक्के खाते हैं जानकारी नहीं देते। दूसरी बात, तो कहां है ट्रांसपेरेंसी, सर देवेंद्र हो, नरेंद्र हो, सोनिया हो, हम आम आदमी है, आप 5 साल में एक बार आएंगे हम तो 5 साल भुगतेंगे। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, आप सफाई की बात कर रहे हैं सर, पुलिस स्टेशन जाने का किसका मन करता है, पासपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, जाने के लिए अगर एक बार भी जाता है ऐसे लगता है हम गुनहगार हैं। सर बहुत कुछ बदला है, लेकिन साफ सफाई के लिए जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं वहां से सफाई शुरू कीजिए, आपके घर के बाहर यहाँ पर गार्डनों में, ये बहुत अच्छी बातें हैं। सर आप अस्पताल की बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके एजेंडा में आप मैन क्रॉस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने मैन क्रॉस के लिए सर जब आप आए थे लोकड़वाला में, हम लोगों ने सर उधर आंदोलन खड़ा किया, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे खड़ा करके मिल्लत नगर के बीच में, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, हमने उसमें देखा कौन किसके धर्म का है, हमारे मैन क्रॉस कटे। सर मैं आपको बताता हूँ 5 साल हो गए मैन क्रॉस और कट रहे हैं, अरे क्या आप बात कर रहे हैं सर, हम तो कटते जा रहे हैं, आप बटने की चिंता मत कीजिए, ये फेरी वाला कौन हफ्ता लेता है सर, सरकारें किसी की भी आए, हमारी तो सड़क कम हो जाती है, आप 120 फीट सर, सॉरी इट इज नॉट 120 फीट, इट इज नॉट फेरी वाला, हमारे लिए तो 20 फुट रख दिया आपने सर, चलने के लिए हमारे, हम आंदोलन खड़ा करेंगे और आप अगर नेता होकर काम करेंगे सर हम आपके साथ हैं, लेकिन 5 साल रहिए, चाहे सत्ता में रहिए सत्ता के बाहर रहिए। मेरी एक और विडंबना है, स्कूल, कौन कहता है अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए, हम सब कहते हैं अच्छे स्कूल होने चाहिए, सर बीएमसी के स्कूल में छत गिर रही है, पानी गिर रही है, खड्डों के बीच में सड़क है, सड़क में खड्डे नहीं है, ये तो सर हमारी दुर्गति है। फिर हमें कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना दे, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेल्थ क्रिएटर्स। सर वेयर आर द जॉब मेलास, आप स्कूल में कॉलेज में जॉब मेला क्यों नहीं लगाते, हमारे यहाँ से लोग फौज में क्यों नहीं भर्ती होते, हमारे यहाँ पर आर्मी का जनरल क्यों नहीं आता, हमारे यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों वाले लोग क्यों नहीं आते, मछुआरे उनकी अलग समस्या है। सर वर्षों का इतिहास है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, इट्स अ माइनर पोर्ट, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 42 माइनर पोर्ट है, माइनर पोर्ट की कीमत आप समझते हैं। सर मैं दुनिया के 82 देशों में घुमा, मर्चेंट नेवी में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैं चाहता हूं कि यहां पर कम से कम मछुआरों के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक ऐसी फैक्ट्री तो लगे, भैया बर्फ ले जाने की जगह पर एल्यूमिनियम के डब्बे से गुजारा हो जाए, ना कि वो जो वहां पर व्हाइट कलर का आप देखते हैं जो वहां पर बाद में कचरे में बिखरा होता है और उसके अंदर बर्फ डाल के लेके जा रहे हैं, डीजल की सब्सिडी के लिए रो रहे हैं। अरे आप चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, आप कहां की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पे जाने की, यहां पर हमारी एमएलए आती है, अगर वो यहां पर 5 मिनट अपनी उपलब्धियां गिरा के जाती मैं उनको चरण वंदना करता। हमें सूट करेगा, हम वोट देंगे, एक तरफा वोट देंगे।
हम सब अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि पे गर्व करते हैं सर। सिर पे पगड़ी हो या यहाँ पर दाढ़ी हो या तिलक हो, उस पर मत जाइएगा सर, और हमको उस पर बांटने की कोशिश भी मत करिएगा। हम नहीं बटने वाले, लेकिन हम आपको बांटेंगे और आपके कामों को छांटेंगे। एक एक आरटीएस आपको मैंने एफिडेविट पढ़ा सर, बल्लेव कोसा जी का एफिडेविट पढ़ा सर। बाजार में मंदी आई, इनकी तनख्वाह कम हुई सर, ये फैक्ट है ना, राइट और रॉन्ग? बट इनकी ईमानदारी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जैसी इनकी आमदनी है वैसा दिखाया। मैंने मैडम आपका भी देखा, आपको जानकर हैरानगी होगी, आप एफिडेविट पढ़िए। आप इलेक्शन कमीशन का जो महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है प्लीज पढ़िए, दसों के दस एफिडेविट देखे मैंने। हमारी एमएलए का भी एफिडेविट देखा, बताऊं जरूर। उनकी पगार 21,000 रुपया थी 2014 में, और अभी उनकी पगार 1,41,000 हर महीने की है। इतनी पगार हम में से किसी की बढ़ी क्या? अरे ओसी चाहिए हमको, सीसी चाहिए, हमारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। आपने 25 लाख का उधर एक झमेला खड़ा कर दिया। क्या बात करती है, सरकार चल रही है, सरकार नहीं चल रही है, हम चलाएंगे सरकार को। मेरा ये गुस्सा था, मैंने व्यक्त किया, दिल से व्यक्त किया, मेरी बात बुरी लगी हो मैं माफी मांगता हूँ सर। मैं बहुत दबाव हूँ। और आप मैनेजमेंट की बात करते हैं सर, ऑक्सीजन यहाँ पर बारिश आती है, इतना इतना घुटनों में पानी, गम घुट डाल के तो आज भी हम चले हुए हैं। एक सड़क ढंग की नहीं बनती है, सड़क पे लगाइए ना, किसकी किसको सड़क दी बनाने के लिए? आपके ठेकेदार है सर, सब आपकी मिली जुली भगत है, आप ही ठेकेदार है, आप ही समाज से खतरा करते हैं सर। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई विल जस्ट कंक्लूड, अगर मैंने कुछ गलत किया मैं माफी मांगता हूँ। और सर आपने बहुत अच्छे काम किए, आपने हमें रोकड़ वाला पीछे काट दिया सर, मैं उसमें जाता हूँ, उसके लिए आपको नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।